प्राणधार आत्म संबंधी सुंदरसाथ जी, अभी अभी हमने प्राणनाथ कन्या गुरुकुल की बहन कृष्णा के द्वारा प्रकाश ग्रंथ के तीसरे प्रकरण की अंतिम चौपाई को श्रवण किया। जब मैं यहां बैठकर सुन रहा था, मेरा चिंतन उस एक ही चरण पर अटका रहा कि कहे इंद्रावती वचन पीऊ के, केवल एक ही चरण पर कि ये जो वाणी है या वाणी के जो वचन है वह किसके हैं? पीऊ के वचन, अर्थात राज जी के वचन। और मैं पिछले दो दिन से इस विषय पर चिंतन कर रहा हूं कि सुंदर सात वाणी को समझें तो कैसे समझें। अनेकों टीकाएं हुई है भिन्न भिन्न संस्थाओं के द्वारा, भिन्न भिन्न प्रवक्ताओं के या विद्वानों के द्वारा, और उन टीकाओं को हम पढ़ भी रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन वाणी समझ में क्यों नहीं आ रही है? समझ में न आने का कारण और उस कारण का निवारण क्या है? और उसी चिंतन के क्रम में ये चौपाई जब मैंने सुना कि कहे इंद्रावती वचन पीऊ के, तो उसी पर मैं अटक गया। और मुझे ऐसा लगा जिस प्रकार गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिस पर विश्व भर की सभी भाषाओं को मिलाकर सबसे अधिक भाषाओं में अनुवाद की गई है और सबसे अधिक विद्वानों के द्वारा इसकी टीका की गई है। केवल संस्कृत में ही शायद 50 से अधिक विद्वानों की टीकाएं होंगी, हिंदी में सैकड़ों विद्वानों ने इस पर टीका लिखी है, भाष्य लिखी है। लेकिन क्या कोई व्यक्ति गीता में कहे गए कृष्ण जी के मनाशय को पूरी तरह से समझ सकता है? और यदि नहीं समझ सकता है, गीता के 700 श्लोक हैं, उन सभी श्लोकों को रटने पर भी, उन श्लोकों के अन्वय को रटने पर भी यदि नहीं समझ पा रहा है तो कारण क्या है? वही कारण ब्रह्मवाणी के संदर्भ में भी लागू होता है। कारण यह है कि जिस मनोभाव में, जिस अवस्था में श्री कृष्ण जी ने गीता का उपदेश दिया, उस मनोभाव तक, उस अवस्था तक आज दिन तक कोई पूर्ण रूप से पहुंच नहीं पाया है। श्री कृष्ण जी योगीराज हैं, योगी हैं। जो योगी योग की उस अवस्था के जितने ही सन्निकट पहुंचेगा, वह कृष्ण जी के मनोभाव को उतनी ही स्पष्टता के साथ समझ पाएगा। इसी प्रकार ब्रह्मवाणी, आत्म जागृति की वाणी, श्री इंद्रावती जी को माध्यम बनाकर, जैसा कि वो कहती हैं, कहलाया हृदय बैठ साक्षात, साक्षात धाम धनी ने हमारे लिए कहलवाई है। लेकिन उस पर अनेकों टीकाएं लिखे जाने के बावजूद, अनेकों विद्वानों के द्वारा चर्चा किए जाने के बावजूद भी हम क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? या एक और प्रश्न होता है जो थोड़ा सा विवादित लग सकता है लेकिन प्रासंगिक है, कि क्या वाणी में लिखी गई चौपाइयों का भाव वही है जो टीकाओं में मिलता है? क्या
हम किसी के द्वारा लिखी गई बातों को पढ़ करके 100% वाणी को समझ सकते हैं? मान लीजिए कि टीका 100% सत्य हो, लेकिन फिर भी क्या हम उन टीकाओं को पढ़ करके टीका का भाव भी पूर्ण रूप से समझ सकते हैं? ये गंभीर विषय है। और इसका उत्तर है कि ब्रह्मवाणी या उसकी टीका के भाव को हम सब सुंदर साथ, चाहे कोई प्रचारक हो चाहे कोई सामान्य सुंदर साथ हो, तब तक नहीं समझ सकते जब तक जिस अवस्था में पहुंचकर इंद्रावती जी को उस भाव का साक्षात्कार हुआ, जिस प्रसंग और परिस्थिति में ब्रह्मवाणी के उन प्रकरणों का अवतरण हुआ, जब तक हम स्वयं आंतरिक रूप से उस अवस्था के उतने निकट नहीं पहुंचते, उतने नजदीक नहीं पहुंचते, तब तक ब्रह्मवाणी के विषय को भी हम नहीं समझ पाते। जैसा कि मैं बिल्कुल सामान्य उदाहरण देकर के समझाने का प्रयास कर रहा हूं, जैसा कि एक ही शब्द के अनेकों अर्थ होते हैं, पर्यायवाची शब्द हम कहते हैं। स्वामी जी ने कलशवाणी में संस्कृत भाषा के उपयोगिता अथवा अनुपयोगिता के संदर्भ में यह दृष्टांत दिया है कई चर्चाओं में। जैसे सैंधव शब्द का अर्थ होता है घोड़ा, और उसी सैंधव शब्द का अर्थ होता है सैंधा नमक। यदि कोई सैंधव मांग रहा है तो हम क्या समझेंगे? यदि हम रसोई में काम करने वाले लोग होंगे या रसोई के विषय में मालूम होगी तो हम कहेंगे नमक मांग रहा है, या हमारा संबंध रसोई के साथ रही है लेकिन यात्रा के साथ है तो हम सोचेंगे कि घोड़ा मांग रहा है। दोनों में से सही अर्थ क्या है ये कौन समझेगा? जो मांगने वाले की परिस्थिति को जानेगा कि ये खाना खाते समय सैंधव मांग रहा है कि कहीं यात्रा के लिए सैंधव मांग रहा है। प्रसंग के अनुरूप एक ही शब्द के अनेकों अर्थ होंगे। इसी प्रकार रास में हवे पहला मोह जलनी कहूं बात से लेकर के एक सुरे उड़ाए के दिए तक, कई चौपाइयां तो इतनी सरल है कहने को, शाब्दिक रूप में कहने को, कि किसी भी टीका को पढ़े बिना भी हम उसके अर्थ को जान सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, ए मूल मिलावा अपना नजर दीजे इत, पलक न पीछे फेरिए ज्यो इश्क अंग उपजत। इस चौपाई में ऐसा कौन सा शब्द है जिसका अर्थ जानने के लिए हमें टीका देखने की आवश्यकता पड़ती है? कोई शब्द है नहीं, है ना? लेकिन यदि मैं कहूं कि हम सुंदर साथ तो इस एक चौपाई का अर्थ भी नहीं जानते, आप मेरी बात पर शायद विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको प्रमाणित करके बताता हूं कि हम इस चौपाई का अर्थ नहीं समझते। कैसे नहीं समझ सकते? पहला चरण लीजिए, ए मूल मिलावा, क्या? ए मूल मिलावा अपना, क्या हमें उस अपना शब्द का अर्थ पता है? बुद्धि से नहीं, व्यवहार से क्या हमें उस अपना का अर्थ पता है? हमारे दृष्टि में अपना कौन है, या हमारे दृष्टि में अपना क्या है? हमने यहां एक चार दीवारी बनाई है और उस चार दीवारी को अपना मानते हैं। वहां के मिलावे को हम चौपाई से तो कह रहे हैं कि ए मूल मिलावा अपना, लेकिन उसे अपना कहां माना है? यदि माना होता तो ऐसी हालत थोड़ी होती हमारी। बात समझ में आ रही है आपको?
कि हमें शब्द का अर्थ भले ही पता चल पा रहा हो लेकिन वाणी समझ में नहीं आ रही है। इसी प्रकार मैं अटका क्यों इस चौपाई पर कि कहे इंद्रावती वचन पीयू के, इसमें कोई कठिन शब्दार्थ नहीं है। कहे मतलब कह रही है इंद्रावती जी, वचन पीयू के, चारों शब्द का अर्थ सरल है लेकिन क्या हमें पिया समझ में आ रहे हैं? पीयू के जो शब्द है इसका भाव समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है ना। और इस नहीं आने का कारण क्या है कि हम महामती जी की अवस्था, जिस अवस्था में वाणी अवतरित हुई उससे कोशों दूर है और दूर होते ही जा रहे हैं। एक तो होता है कि दूरी दो प्रकार से होती है, जैसे मैं आपकी तरफ मुख करके बैठा हूं, आप मेरी तरफ मुख करके बैठे, फिर भी हमारे बीच में एक दूरी है। दूसरा है कि मैं आपकी तरफ पीठ देके बैठा हूं, आप मेरी तरफ पीठ देके बैठे हैं, हो सकता है कि दोनों शरीर की दूरी और कम हो, बिल्कुल चिपक करके बैठे हो या केवल एक इंच की दूरी हो देखने में, लेकिन दोनों एक दूसरे को पीठ देकर यदि बैठे हैं तो दूरी कितनी हो गई? देखने में, दूसरे लोगों के देखने में नजदीक लग रही है लेकिन दूरी अब कई गुना बढ़ गई है। हमारी अवस्था कुछ ऐसी ही है। अब ये दोनों जो मैंने उदाहरण दिए उसमें तो ये कहा जा सकता है कि भले ही कोई पीठ दे के बैठा हो लेकिन क्या पता हृदय में क्या चल रहा हो। लेकिन राज्य के साथ क्या है? राज्य के साथ शरीर से हम दूर नहीं है, बैठी हूं कदम तले, कह रहे हैं ना, नूरी जो तन है हमारे मूल मिलावे में उससे हम कितने दूर हैं? राज्य के बिल्कुल निकट है, लेकिन इस माया में आने के कारण और माया में डूबने के कारण अब हमारा राज्य से दूराव हो गया है, हमारी और राज्य के बीच में दूरी बढ़ गई है। इसलिए हम इंद्रावती जी की अवस्था से और दूर दूर जा रहे हैं जिस कारण हमें वाणी समझ में नहीं आ रही है। यदि हम सुंदर साथ वाणी समझना चाहते हैं तो उपाय क्या है? हमें उनकी अवस्था के नजदीक होना पड़ेगा। उनकी अवस्था क्या थी उसको जानने के लिए पहले हमें यह समझना चाहिए कि उनमें और हम में अंतर क्या है, समानताएं क्या है, समानता होते हुए भी अंतर है तो उसका कारण क्या है। आत्मिक दृष्टि से, वहदत की दृष्टि से देखें तो इंद्रावती जी में या आसबाई की आत्मा में, केसरबाई की आत्मा में, सुंदरबाई में, या फिर आपके और हमारी आत्मा में क्या फर्क है? कोई अंतर है? नहीं, कोई अंतर नहीं वहदत की दृष्टि से। लेकिन इस माया में आने के बाद जब हम रहनी देखते हैं, अभी हमने बहन कृष्णा के मुख से भी रहनी की बात सुनी, जब हम रहनी देखते हैं, उन ब्रह्ममुनियों की चाल और हमारी चाल को देखते हैं तो पता चलता है कि अंतर तो धरती और आकाश के जैसा है, दिन और रात जैसी है। अब जब रहनी में इतना अंतर है तो हम उस अवस्था के निकट कैसे पहुंच सकते हैं? और जब हम उस अवस्था में पहुंच ही नहीं सकते, देखिए आप में से बहुत सारे सुंदर साथ ने सरकार श्री के मुखारविंद से चर्चा सुनी है। सरकार श्री वाणी के विषय में या धर्म ग्रंथों के विषय में जब चर्चा करते थे तो एक दृष्टांत देते थे, ये बताते हुए कि वाणी की बात को
या तो कहने वाला जान सकता है या जिसके लिए कहा गया है वही जान सकता है। हमने दावा तो लिया कि वाणी किसके लिए कही गई है, हम सब ब्रह्मात्माओं के लिए, लेकिन जब हमारी रहनी उन ब्रह्मात्माओं जैसी है ही नहीं तो फिर हमें समझ में कैसे आ सकती है। नई समझ में आने का कारण ही यही है, हमें इस ब्रह्मवाणी के किसी भी चौपाई का भाव समझ में आ ही नहीं रहा है, इसीलिए न हमें मूल मिलावा अपना लग रहा है, न धाम धनी अपने लग रहे हैं, न ये वाणी अपनी लग रही है, न परम धाम अपना लग रहा है, न सुंदर साथ अपने लग रहे हैं। हमारी अवस्था तो ऐसी है कि मैंने पहले भी कहा कि एक छोटी सी चार दीवारी को हमने अपना बनाया, एक छोटे से कुटुंब को हमने अपना बनाया, कहने को हम ब्रह्म सृष्टि का परिवार कहते हैं, कहने को हम कुल मूल हमारो आनंद है कहते हैं, लेकिन एक सामाजिक व्यवहार भी हमारा सुंदर साथ के साथ वैसा वाला नहीं है जिसे देख करके कोई कह सके कि अरे ये ब्रह्म मुनियों की चाल है, ये ब्रह्मात्माओं का आपसी प्रेम है, ये वहदत का प्रेम है, वो हम में नहीं है। इसलिए जितना हम ब्रह्मात्माओं की रहनी से दूर रहेंगे उतना ही हम ब्रह्मवाणी की समझ से भी दूर रहेंगे। अब नजदीक बनने का उपाय एकमात्र यही है कि जो ब्रह्म सृष्टियों की रहनी होनी चाहिए, कौन कौन सी, वैसे तो बहुत सारी है, उदाहरण के लिए मैं एकाद वर्णन कर रहा हूं, अब बाकी आप समझते जाना। जैसे इंद्रावती जी ने कहा, प्रेम दर्द मैं इश्क तुम्हारा, फेर मांगू फेर, तो ब्रह्मात्मा में क्या होना चाहिए, राज्य के लिए प्रेम, ब्रह्मात्माओं के लिए भी आपस में प्रेम, राज्य से विमुख होने का, राज्य से दूर होने का दर्द, ठीक है। और इनसे भी पहले एक और महत्वपूर्ण जो बात है वह है आत्मभाव, और वह आवश्यक इसीलिए हम किरंदन की वाणी पढ़ते हैं। अब मैं एक और चौपाई का उदाहरण दे रहा हूं कि कितनी सरल बात में भी क्या गहराई छिपी है जिसको हम नहीं समझ पा रहे हैं। किरंदन की पहली चौपाई पता है, पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। चौपाई में शब्द का अर्थ कितना सरल है कि पहले स्वयं की पहचान करो। क्या हमें स्वयं की पहचान है, हम स्वयं को क्या मान बैठे हैं, हमें कोई भी पूछता है तो अपना परिचय हम इसी संसार के किसी न किसी व्यक्ति के रूप में, किसी पद से जुड़े हुए, किसी परिवार से जुड़े हुए व्यक्ति के रूप में देते हैं। क्या हमने कभी स्वयं का आत्मिक परिचय जानने की कोशिश की, क्या हमने कभी यह विचार किया कि हम यह तन नहीं है, हम शुद्ध बुद्ध चेतन स्वरूप हैं, हम आत्मा हैं, हम धाम धनी की आत्मा हैं, हम राज्य की आनंद स्वरूपा हैं, हम उसकी आह्लादिनी शक्ति हैं। क्या कभी हमने इतना विचार किया, जब हमने इतना चिंतन ही नहीं किया, जब हमने ये भाव ही नहीं लिया कि हम ब्रह्मात्मा हैं, तो ब्रह्मात्माओं के लिए कही गई वाणी हम कैसे समझ सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो हमें आत्मभाव लेना होगा। आत्मभाव लेने के पश्चात जो जो बातें ब्रह्मात्माओं के लिए लागू की गई हैं, जो जो लक्षण बताए हैं, उन लक्षणों के अनुरूप चलना होगा। जैसा प्रेम, जैसा विरह, जैसा समर्पण श्री इंद्रावती जी के अंदर था, वही प्रेम, समर्पण, विरह, वही सेवा भावना, वही राज्य की पहचान हमें अपनानी होगी। हम इन अवस्थाओं को जितना अपने अंदर लाते जाएंगे या हम जितना उन अवस्थाओं के नजदीक होते जाएंगे, उतनी ही धीरे धीरे वाणी हमारे समझ में आती जाएगी। यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो भले ही हम कितनी ही टीकाएं पढ़ लें, शब्दार्थ को पढ़ करके, शब्दकोश को, व्याकरण को पढ़ करके
हम स्वयं भी टीका क्यों ना कर लें, लेकिन वाणी की छिपे हुए भावों को नहीं जान सकते कि वास्तव में वाणी कहना क्या चाहती है। आज स्वामी जी ये दृष्टांत कई बार देते हैं, प्रासंगिक है इसलिए मैं दे रहा हूं। एक मंच पर एक ही विषय में 10 विद्वानों को यदि बोलने को कहा जाए और ये छूट दी जाए कि आप पूर्वोक्त पूर्व वक्ता विद्वान की बात को काट सकते हैं, तो मंच पर बैठ करके विद्वान बातों को ही नहीं काटेंगे, हो सकता है कि एक दूसरे को ही काटने लग जाए, ज्ञान से नहीं, बातों से नहीं। लेकिन वहीं यदि 10 क्या 1000 भी परमहंस बैठे हो, एक विषय पर बात करनी हो, तो सबकी विचारधारा सबका अर्थ एक ही होगा। क्यों? क्योंकि परमहंस अवस्था है। जिस अवस्था में इंद्रावती जी ने इस ब्रह्मवाणी को कहा है या इंद्रावती जी के द्वारा कहलवाई गई है, उसी अवस्था के निकटतम पहुंचे हुए हैं परमहंस। और जो वाचक विद्वान है, जो शब्द ज्ञानी है, वो उन अवस्था से कोशों दूर है। हाँ, यदि वे चाहें पुरुषार्थ करें तो उन अवस्था के नजदीक पहुंच सकते हैं, और जितना वो निकट पहुंचेंगे, दूसरों की जागृति तो खैर दूसरे स्थान पर है, लेकिन स्वयं की आत्म जागृति के लिए उन्हें लाभ ये होगा कि वाणी वो और अच्छे से समझ पाएंगे। वर्तमान में तो मैं इस बात की निश्चितता दे सकता हूं, इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि जो भी केवल वाचक ज्ञानी होंगे, जिनके अंदर राज्य के लिए सच्चा प्रेम नहीं होगा, राज्य के लिए सच्चे रूप से समर्पित नहीं होंगे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे मैं हूं, चाहे दूसरे कोई भी विद्वान हो, मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि जब वो चर्चा करते होंगे या जब वो किसी को समझाते होंगे, तो समझाते समझाते कहीं ना कहीं उनके अंदर भी संशय रहता होगा कि क्या मैं समझा रहा हूं वो सही अर्थ है, लेकिन लोकलाज मर्यादा के कारण बोल नहीं पाते होंगे कि मैं जो समझा रहा हूं, यदि मैं ही कह दूं कि संशय में हूं तो लोग मेरा सम्मान करना बंद कर देंगे, लोग मुझे पूछना बंद कर देंगे। लेकिन वास्तविकता यही है कि यदि हम इंद्रावती जी की अवस्था के नजदीक नहीं पहुंचेंगे तो वाणी हमसे कोसों दूर ही होगी, या हम वाणी के भाव से कोसों दूर होंगे। इसलिए हम सभी सुंदर साथ का, हम का मतलब मैं आपके लिए केवल नहीं कह रहा हूं, हम का मतलब समस्त सुंदर साथ जो मंच पर बैठकर सुनाने वाले हैं या नीचे बैठकर के सुनने वाले हैं, हम सबका कर्तव्य है कि स्वयं को आत्म भाव में जाने। हम सबका कर्तव्य है कि यदि हम आत्म भाव में स्वयं को जान रहे हैं, मान रहे हैं, तो हमारी रहनी भी आत्मिक ही हो। चूंकि हमने तन धारण किया है, शरीर की कुछ मर्यादाएं हैं, समाज में हम रहते हैं, समाज की कुछ मर्यादाएं हैं, पर सभी मर्यादाएं दूसरे स्थान पर। स्वामी जी ये दृष्टांत बारंबार देते हैं। मैंने भी महाभारत में इसी प्रकार का एक दृष्टांत पढ़ा था कि जब यदि एक व्यक्ति के त्याग से समाज का भला हो तो हमें उस व्यक्ति को त्याग देना चाहिए, परिवार का भला हो तो। यदि एक परिवार के त्याग से समाज का भला हो तो परिवार को त्याग देना चाहिए। यदि समाज के त्याग से राष्ट्र का भला हो तो राष्ट्र समाज को त्याग देना चाहिए राष्ट्रहित के लिए। यदि राष्ट्र को त्यागने से विश्व का भला होता हो तो राष्ट्र का त्याग भी कर देना चाहिए। लेकिन जहां बात आए आत्मा के भले की, जहां बात आए आत्मिक आनंद की, तो आत्मा के लाभ के लिए यदि हमें विश्व का भी त्याग करना पड़े, अर्थात विश्व के विरुद्ध भी खड़ा होना पड़े, तो हमें उसके लिए भी तैयार होना चाहिए। यहां हमें इतना बड़ा त्याग करने को नहीं कहा जा रहा है, केवल करना क्या है,
आत्मभाव लेना है, आत्मिक रूप में स्थित होना है, आत्मिक व्यवहार करना है। शरीर का व्यवहार अपने जगह पर ठीक है, पर हमारा ध्यान हमेशा किस रूप में रहना चाहिए? जैसा कि मैंने उदाहरण के रूप में भी चौपाई कही कि ए मूल मिलावा अपना, हमारा भाव क्या हो कि मूल मिलावा हमारा अपना है। श्यामा जी ना अंग हो सुंदर साथ, तो श्यामा जी के अंग रूपा होने से सुंदर साथ हमारा वास्तविक परिवार है, ये भाव होना चाहिए। वाणी हमारे लिए कही गई है, ये भाव होना चाहिए। कहलाया हृदय बैठ साक्षात, तो साक्षात धामधनी ने कहलाया, ये भाव होना चाहिए। आरती अंग चतुर्दश केरी पांच स्वरूप मिल एक भैरी कहते हुए ये संपूर्ण ब्रह्मवाणी राज्य का वांग्मय स्वरूप है, ऐसा भाव होना चाहिए। जब हमारे अंदर ये भाव होंगे, जब हमारे अंदर ईमान इश्क शुक्र गरीबी सबर जैसे गुण होंगे, तो हम धीरे धीरे वाणी के नजदीक पहुंचेंगे, हम धीरे धीरे वाणी के अर्थ को स्पष्टता के साथ जान जाएंगे और उस समय किसी भी प्रकार का संशय नहीं रह जाएगा। और जब संशय का पूरी तरह से निवारण हो गया तो वही वास्तव में जागृति है, वही वास्तव में जागनी है। तो मैं आप सभी सुंदर साथ से ये आग्रह करूंगा कि हम सब इंद्रावती जी की अवस्था के निकट पहुंचे। और हाँ, अब एक प्रश्न और हो सकता है कि निकट पहुंचने का उपाय क्या है, कैसे हम इंद्रावती जी की अवस्था के नजदीक पहुंच सकते हैं। वैसे तो मैंने पहले भी संकेत में कहा, स्पष्ट रूप से यदि कहूं तो उपाय यही है कि जितना हम सुन रहे हैं समझ रहे हैं, कयामत नामा की वाणी ये कहती है कि कहनी सुननी गई रात में, अब आया रहनी का दिन। इंद्रावती जी भी यदि केवल देवचंद्र जी से चर्चा सुनती तो वह भी उस अवस्था तक नहीं पहुंच पाती। उन्होंने जो सुना एक एक बात को अमल में लाने का प्रयास किया और अमल में लाया। जिस जिस बात को देवचंद्र जी ने अवगुण है ऐसा कहकर वर्णन किया उन सबको छोड़ा, जो जो बातें उन्हें समझ में आती गई कि ये अपनाना है ये छोड़ना है, अपनाने वाली बातों को वो अपनाती गई चाहे उसमें कितना भी कष्ट हो, और छोड़ने वाली बातों को छोड़ती भी गई। और इसका फल यह हुआ कि इंद्रावती जी महामती जी बने और उनके हृदय धाम में विराजमान होकर के धामधनी ने ये वाणी कहलवाई और उन्हें इस जागनी के ब्रह्मांड में साक्षात अक्षरातीत की शोभा मिली, जो उन्हें चाहिए भी नहीं थी। हमें भी वो शोभा भले ही नहीं चाहिए, पर इंद्रावती जी ने जो आनंद लिया वो आनंद तो चाहिए ना। तो उस आनंद को लेने के लिए, आनंद को प्राप्त करने के लिए हम उस अवस्था तक पहुंचे। आप सभी सुंदर साथ आत्म जागृति के पथ पर, अध्यात्म के पथ पर एक कदम और आगे बढ़ें। इंद्रावती जी की अवस्था के, अथवा मैं इंद्रावती जी की अवस्था बार बार इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनका जो उदाहरण है वो अनुकरणीय है, वरना मैं ये भी कह सकता था कि ब्रह्म सृष्टि के होने के निकट पहुँचे, ब्रह्म सृष्टि के लक्षण के निकट पहुँचे, दोनों बात वही है। तो हम सभी उस रहनी को अपनाएं, उस अवस्था के निकट पहुँचे और धामधनी के आनंद में सराबोर हो, इस ब्रह्मवाणी के भाव को वास्तविक रूप से समझें और आत्मिक आनंद में, आत्मिक आनंद से ओतप्रोत हो, इसी शुभकामना के साथ, क्योंकि मेरा समय पूरा होता है, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबको प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सतगुरु महाराज की। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट www.spjin.org पर आएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।